और ग्राउंड पे हमारे कोरोना वॉरियर्स दोनों को सलाम यहां अखाड़ा में, क्योंकि दोनों ने चाइना वायरस को पछाड़ने का काम बखूबी निभाया है। अब बात करते हैं उस चाइना वायरस की जिससे कि हम जंग लड़ रहे हैं वैक्सीनेशन के जरिए। अमिताभ बने रहिए हमारे साथ। अब कोरोना से जारी इस जंग के बीच आज वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का दूसरा दिन है। पूरे देश में 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में 45 साल के ऊपर के गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से कोरोना की वैक्सीन लेने की अपील की। खुद वो सबसे पहले पहुंचे थे कल एम्स फैसिलिटी और खुद टीका लगवाया। उधर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में दूसरे चरण के वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दूसरे दौर के वैक्सीनेशन के दूसरे दिन आज दिल्ली में टीका लगवाया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली में पड़ता है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना का टीका लगवाया था और आज डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ में कोरोना का टीका लगवाने के लिए, क्योंकि 60 साल से उम्र से ज्यादा के लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा है, टीका दिया जा रहा है 1 मार्च से। और उसी की वजह से, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन 60 साल से उम्र के ज्यादा हैं और उनकी पत्नी भी उनके साथ में है, आप देख सकते हैं कि उनको टीका लगाया जा रहा है। और ये तस्वीरें तमाम ऐसे लोगों के लिए भी कहीं न कहीं उनके दिमाग में इस बात को लेकर भी सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना का जो टीका है, देश में 2 कोरोना का टीका इस समय मौजूद है, दोनों ही सुरक्षित है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना का टीका एक दिन पहले जब एम्स में लगवाया था तो उसको ट्विटर पर शेयर भी किया था और अपील भी की थी कि ज्यादा संख्या में लोग कोरोना का टीका लगाएं। और एक दिन के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कोरोना का टीका लगवाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं लेकिन रवि सिंह भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि पिछले एक दिन के अंदर ही 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं कोविन की वेबसाइट पे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन को मानना होगा कि वो पेशे से डॉक्टर हैं, WHO से जुड़े हैं, फिर भी एक पॉलिटिशियन होने के नाते, केंद्रीय मंत्री होने के नाते वो रुके और जब 60 साल की उम्र की जो फेज 2 की बारी आई तभी उन्होंने टीका लगवाया, बतौर फ्रंटलाइन वर्कर टीका नहीं लगवाया। ये एक बड़ा मैसेज है। देखिए आनंद, अगर वो पहले ही कोरोना का टीका लगवा लेते तो ये भी सवाल खड़ा हो सकता था कि जिनके वश में था, यानी कि जिनके अधिकार क्षेत्र में था, उन लोगों ने पहले ही टीका लगवा लिया और अपने आप को सुरक्षित कर लिया। और ये सिर्फ ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, विपक्षी नेता, बल्कि आम लोग भी उंगलियां उठा सकते थे। और यही वजह है कि जैसे ही 60 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगना शुरू हुआ, सबसे पहले प्रधानमंत्री सुबह के वक्त एम्स में उन्होंने टीका लगवाया और उसके जरिए एक मैसेज भी देने की कोशिश की थी जिन वैक्सीन्स को लेकर तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, उसकी एफिकेसी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, वो तस्वीरें शेयर किया और उसके जरिए मैसेज दिया कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने खुद लिया। 28 दिन के बाद वो दोबारा जाएंगे उसी जगह पर और कोवैक्सीन लेंगे, खास करके कोवैक्सीन को लेकर उंगलियां उठ रही थी। और एक दिन के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना का टीका लिया और वो प्राइवेट अस्पताल में गए, क्योंकि इस तरीके के भी डायरेक्शन तमाम जो मंत्रियों और सांसदों को, वो प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग वहन कर सकते हैं, क्योंकि 250 रुपये एक टीके की कीमत है, एक डोज की कीमत है, यानी कि 500 रुपये मैक्सिमम लगता है, तो वो प्राइवेट में जाए और पैसा देकर लगवाएं, क्योंकि ऐसे तमाम जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर तो फ्री में है, लेकिन प्राइवेट में उनको आपको दाम देना पड़ेगा। नेताओं को कहा गया, अधिकारियों को कहा गया कि आप अपनी जेब से 500 रुपया दें अगर आपको और आपकी आपके परिवार में किसी और को भी लगवाना है तो, यानी 250 रुपये प्रति वैक्सीन है और जो मुफ्त में सरकारी सेंटर्स पर, चिकित्सालयों में लग रहा है वो आम आदमी के लिए छोड़ दें, उनको वहां जाने दें। रवि, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीन की पहली डोज ले रहे थे, वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी टीका लगवाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी आज वैक्सीन लगवाई। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने भी दिल्ली में कोरोना का टीका लगवाया।
वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में वैक्सीन लगवाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाकर देशवासियों के साथ दुनिया भर का भरोसा बढ़ाया है और भारतीय वैक्सीन से कोरोना से जंग जीती जा सकती है, ये आश्वासन एक बार फिर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वैक्सीनेशन मेड इन इंडिया वैक्सीन का कराया, उसके बाद आज देश में जो सभी लोग मैंने खुद कराया और सभी लोग करा रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ है, जो सियासी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां स्वदेशी वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो बेनकाब हुए हैं और फिर से एक बार जो है वो उनके जो भ्रम फैलाने के और भ्रम का भूत खड़ा करने का जो षड्यंत्र और साजिशें थी वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई हैं। रवि, देखने वाली बात यह है कि उन सारी पार्टियों ने जिन्होंने वैक्सीन का मड़ा मजाक उड़ाया, कोविशील्ड बनाम कोवैक्सीन की एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, वो सब अब कतार में लग गए हैं, सब टीके लगवा रहे हैं। अब तो उनके जो विरोध हैं और जो विरोध के स्वर हैं वो प्रधानमंत्री के टीका लगवाने के बाद ही धराशायी हो गए। तमाम ऐसे जो नेता हैं वो ट्विटर के जरिए जो सवाल खड़ा कर रहे थे और खास करके उस वक्त जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अप्रूवल मिली थी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके बाद ये कहा गया था कि थर्ड फेज का जो ट्रायल है वो कंप्लीट हुए बगैर इसको अनुमति क्यों दी गई, तो आखिर में उसकी एफिकेसी, उसकी गुणवत्ता, उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया गया था और ये भी कहा गया था कि आकर अगर इतनी ही ज्यादा सुरक्षित है तो केंद्र सरकार। रवि, मैं आपको यहां रोकूंगा क्योंकि एक खबर